बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा पहली बार अपने गृह जिला बिलासपुर पहुंचे, जहां लुहणू मैदान में उनके स्वागत के लिए नागरिक अभिनंदन रैली का आयोजन किया गया। वहीं इस खास मौके पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, सीएम जयराम ठाकुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती सहित कैबिनेट मंत्री व पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा पहली बार अपने गृह जिला बिलासपुर पहुंचे, जहां लुहणू मैदान में उनके स्वागत के लिए नागरिक अभिनंदन रैली का आयोजन किया गया। वहीं इस खास मौके पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, सीएम जयराम ठाकुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती सहित कैबिनेट मंत्री व पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं को मंच से संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का आभार जताया, तो साथ ही बीजेपी के अलावा अन्य सभी पार्टियों में वंशवाद और परिवारवाद के होने का दावा किया है। वहीं उन्होंने हरियाणा व महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी उम्मीदवारों की जीत दर्ज करने की बात कही। अमित शाह जी कहते हैं कि पार्टी ने अभी उत्कर्ष देखना बाकी, पार्टी इज येट टू सी इट्स बेस्ट। सबसे ऊंचाइयां देखनी बाकी है, और उस ऊंचाई में की जिम्मेवारी मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने मेरे कंधों पर रखी है। मैं ये जिम्मेवारी आपके सहारे, आपकी हिम्मत के और आपकी प्रार्थना के आधार पर रख सकता हूं और उसको चला सकता हूं, इतना मैं जरूर विश्वास दिलाना चाहता हूं। मोदी जी ने पार्टी को इतना ऊंचा बढ़ाया है, इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया, 6 से 17 राज्यों में हमारी सरकार हो गई, फिर से हम महाराष्ट्र में और हरियाणा में फिर से सरकार डंके की चोट पर बना रहे हैं। हमारी सरकारों की श्रृंखला बढ़ गई है, हमारी मेंबरशिप जून और जुलाई महीने में 11 करोड़ थी और 54 दिनों में आप लोगों ने इसकी मेंबरशिप बढ़ाकर आपने 17 करोड़ पहुंचा दी, 6.5 करोड़ ज्यादा मेंबर बना दी 54 दिनों के अंदर। भारतीय जनता पार्टी अब अपना ही रिकॉर्ड खुद तोड़ती है। मैं हिमाचल प्रदेश को शाबाशी दूंगा, आपकी सदस्य संख्या 13 लाख थी पीछे और अब आपने 9,56,000 बढ़ा ली है और आप इसको 10 लाख तक ले जा रहे हैं, मतलब आप 23 लाख तक पहुंच जाएंगे। आपकी एक्टिव मेंबरशिप 30,000 थी, आप उसको 40,000 ले जा रहे हैं और आपने इस बार चुनाव में चारों लोकसभा को मिला ले तो आपका वोट परसेंटेज 69% जाता है, जो अपने आप में कीर्तिमान साबित करता है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, हम सारे कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहते हैं। वहीं मंच से जेपी नड्डा ने धारा 370 को हटाने के पीछे लोकसभा चुनाव में जनता द्वारा बीजेपी को समर्थन देने और राज्यसभा व लोकसभा सदस्यों द्वारा कदम उठाए जाने वाले कदम को बताया। वहीं जेपी नड्डा ने पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए मोदी सरकार द्वारा किसानों का उत्थान करने के लिए कई तरह की योजनाओं को शुरू करने की भी बात कही है। सम्माननीय इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री बन गए, अगस्त पाकिस्तान से आए थे। सम्माननीय मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बन गए। हमारे राष्ट्रीय नेता अपने श्रद्धेय अडवाणी जी उप प्रधानमंत्री बन गए, ये सब वेस्ट पाकिस्तान से आए थे। लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान से आके जम्मू कश्मीर में बस गया, वो काउंसलर का भी चुनाव नहीं लड़ सका और वो काउंसलर भी नहीं बन सका, यह स्थिति लाकर के खड़ी की। हमें भी यह विश्वास नहीं था कि हम इन 2 प्रधान हटा पाएंगे, लेकिन देखिए आपकी उंगली की ताकत, आपने मई महीने में अपनी उंगली दबाकर कमल का बटन दबाया और आपने 303 एमपी और उसमें अपने 4 एमपी जोड़े और उसने अनुराग ठाकुर को यह ताकत दी और मुझको यह ताकत दी कि हमने लोकसभा और राज्यसभा में अपना बटन दबा करके हमने 370 को धाराशाही किया, यह हमको ध्यान रखना। हिमाचल छोटा सा प्रदेश, लेकिन आज मैं कह सकता हूं ये छोटा प्रदेश बड़े बड़े काम कर रहा है। मैं सही बात कहूं कि हम सब लोगों ने नहीं सोचा था
नहीं की थी कल्पना, ये हकीकत है, ये सच्चाई है। इस छोटे से प्रदेश को इतना बड़ा जिम्मा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाते दिया गया। ये संभव हुआ, आप सबका आशीर्वाद मिला। वक्त अच्छा आया तो भी साथ चलते रहे, बुरा आया तो भी साथ चलते रहे, पर नेतृत्व को मजबूत करते रहे। श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को आज जिस जिम्मेवारी के साथ हम यहां पर देख रहे हैं, इसमें मैं समझता हूं जहां नड्डा जी का बहुत बड़ा अपना मेहनत का परिणाम है, मेहनत का जो है योगदान है, वहां सभी आप सब भाई बहनों का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद, जिनके कारण आज इस दिन को हम देख रहे हैं।